सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल दी वर्ल्ड का, आर्क प्राइम ऑफ यू प्लस आर्क इटर्नल का। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस यहाँ पे पिछले एपिसोड में हम लोग ने बॉस फाइट करी थी दो दो बॉसेस से, एक तो डिमोनिक रीपर इवॉल्व वाली और एक सेलेस्टियल इंडोमेस रेक्स इवॉल्व वाला। तो उन दोनों बॉसेस को मार के हम लोग को उनकी इवोल्यूशन वाली सोल जो है गाइस वो मिल गई थी। और आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग जो है उसी इवोल्यूशन सोल से हमारे जो भाई बॉसेस है उनको इवॉल्व करने वाले। पहले तो मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरी मूवमेंट स्पीड कितनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है पिछले एपिसोड में बॉस फाइट करने के बाद। रुको, अरे यार ऑर्गेनिक पॉलीमर ही नहीं है मेरे पास, सुसाइड पोशन पीना पड़ेगा। ये वाला सुसाइड पोशन दो पी लेता हूँ जल्दी जल्दी, एक ही पी सकता हूँ मैं यार, इससे मरूंगा नहीं भाई। यार ये रिकवर कर लेता है भाई, रुक जाऊँगा इस, सबसे बेस्ट होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर, एक ले लूँगा सीधा भगवान के पास। रुको, ऑर्गेनिक पॉलीमर, अरे यार कहाँ पे चला गया पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर भाई दस ले ले, एक नहीं ले रहा तो चलो लेट्स गो, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके अभी फटाफट से अपनी पेटी जो है वो लूटते हैं और बॉस को इवॉल्व करने का काम करते हैं। आज होने वाला है भाई बॉस इवॉल्व, मजा आने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग सबसे पहले डिमोनिक रीपर जो बॉस है उस डिमोनिक रीपर बॉस को करने वाले गाइज यहाँ पे इवॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो डिमोनिक बॉस का इवोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। फटाफट से मैं अपनी पेटी जो है गाइस वो यहाँ पे लूट लेता हूँ, डन। ओके, आर्मर वगैरह भी हम लोग ने पहन लिया है, ऑर्गेनिक पॉलीमर फेंक लेता हूँ। अभी डिमोनिक रिपर जो है ना गाइस वो मैंने यहाँ पे ऊपर रखी हुई है, रुको इसको निकाल लेता हूँ। मैंने सोल टर्मिनल में रखी होगी शायद से, मेरे इन्वेंट्री में तो दिख नहीं रही है। रीपर रीपर, ओ ये रही गाइस हमारी 1325 लेवल की डिमोनिक रिपर, और इसी रिपर को आज के इस वाले वीडियो में मैं करने वाला हूँ इवॉल्व। ये जो है ना गाइस रीपर अपने एक बॉस है भाई, इसकी साइज देखो, साइज घर जाएगा भाई, साइज देख रहे हो भाई, देख रहे हो, इसी रीपर को भी हम लोग इवॉल्व करने वाले और इससे जो है ना गाइस सबकी बैंड बजाने वाले। इसका इवॉल्व करने से पहले ना वो सामने एक रैप्टर है, रैप्टर तो बच्चा है यार अपने सामने, ओरिजिन रैप्टर है क्या, ओरिजिन रैप्टर की बैंड बजाता हूँ, रुको आग लगा के। आवारू ब्रो, आवारू रैप्चर, कितना डैमेज आ रहा है, दो दो मिलियन का डैमेज दे रहा हूँ मैं उसको। आग के अंदर जा वापस से, चल वापस आग के अंदर जाने का रे बाबा, आ जाएगा आग के अंदर, खत्म खत्म। रुको मैं अपना भाई डाटा कितना जा रहा है ना वो देख लेता हूँ, मैंने अपने आप को पावर अप कर लिया है। सो पावर अप करने के बाद मेरा डैमेज जा रहा है 32 मिलियन, ठीक है 32 मिलियन का डैमेज हमारी ये रीपर मैडम जी है वो दे रही है। और अभी इस रीपर को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे इवॉल्व, एंड इवॉल्व करने के बाद इसका लुक तो एक नंबर होगा, प्लस इसका डैमेज जो है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला जाने वाला है। सो गाइस आखिरी बार इस रीपर को यहाँ पे देख लो क्योंकि अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ इवोल्यूशन सोल, एंड इसका सैडल पहले निकाल लूँ मैं, ठीक है हाँ सैडल ले लिया मैंने अपने इन्वेंट्री में, चलो आ जाओ। इसको हम लोग कर रहे हैं कन्वर्ट टू एक्स्ट्रा वर्जन, ऑल राइट ठीक है ये हो गया एक्स्ट्रा वर्जन, एंड अभी इसको हम लोग, अरे भाई इसकी आँख, मैंने गलती कर दी एक, ओ नहीं इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है पड़ा हुआ है ये सोल पड़ा हुआ है, मुझे लगा सोल गायब हो गई इसके इन्वेंट्री से, ठीक है चलो अभी इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इवॉल्व, 1 2 3 लेट्स गो बॉयज। ओ भाई बोलते बॉयज, ये रही फॉलन डिमोनिक रिपर इंप्रेस, ये देखो इसका लुक भाई लग रही है कि नहीं जबरदस्त, रुको ये भी चलो भाई साहब क्या दिख रही है यार, कितनी खूबसूरत दिख रही है भाई हमारी डिमोनिक रिपर, देखना तो गाइस इसका लुक तो देखना भाई। और इसके अंदर जो गाइस यहाँ पे आग लगी है ना गाइस वो मूव कर रही है, देखना, नहीं मूव नहीं कर रही है एक्चुअली, हम लोग जिस एंगल से देखेंगे ना
अगर हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो इसका जो पैटर्न है ना गाइस बॉडी पे बना हुआ वो भी चेंज होते रहता है। ये देखो देख रहे हो, काफी खतरनाक है ना भाई, एकदम फुल गोल्डन डोडो रिपर भाई, डोडो रिपर नहीं सॉरी गोल्डन रिपर गाइज। चलो इसके अभी अटैक मैं आपको दिखाता हूँ, सेम अटैक तो सेम ही रहेंगे। इसके पास बाइट अटैक है, बम के गोले फेंकने वाला अटैक है, उसके बाद उसी पे गोल गोल घूमने वाला अटैक है। ओह बम के गोले फेंकने के बाद अभी बर्निंग डैमेज भी पड़ रहा है, पहले जो बम के गोले थे ना वो जमीन पे जाके फट जाते थे, बर्निंग डैमेज नहीं पड़ता था, लेकिन अभी देखो ये बम के गोले जहां पे गिरेंगे वहां पे आग भी लग जाएंगी, ये काफी खतरनाक है। सी पे गोल गोल घूम सकते हैं हम लोग, एक्स पे तो ये मेन अटैक है भाई, ये काटे फेंक के जो बर्निंग अटैक पड़ता है ना, इस बर्निंग अटैक में सबकी बैंड बच जाती है, ये इसका मेन अटैक होने वाला है। एक्स पे, अच्छा एक्स पे ये अटैक है क्या, जेड कंट्रोल पे अपने मुंह से फायर छोड़ने का काम कर रही है गाइस, ठीक है। ये देखो इस तरीके से फायर छोड़ रही है, क्यों, आर पे भी काटो वाला अटैक ही है, आर पे भी इसके पास काटो वाला अटैक ही है, ठीक है। डैमेज अभी भले ही है भाई, ज़्यादा ना दे रही हो, बट जब मैं इसको लेवल अप करूँगा ना तब रिपर का डैमेज देखना, तब तो भाई यहाँ पे सारे डैमेज के रिकॉर्ड्स तोड़ देगी हमारी रिपर। रुको मैं इसको पहले लेवल अप कर लेता हूँ, इसकी हेल्थ गाइस ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इसकी हेल्थ ओनली जाएगी 100 मिलियन। रिपर्स की कभी भी हेल्थ जो है गाइस वो ज़्यादा नहीं जाती है, 200 कर दूँ, चलो मैं भाई 200 मिलियन इसकी हेल्थ कर रहा हूँ, 70 लेवल अप पॉइंट जो है गाइस वो मैं डाल दूंगा इस रिपर के मिली डैमेज में, 70 लेवल अप पॉइंट इसके मिली डैमेज में जा रहे, और 200 मिलियन जो है गाइस वो हमारी इस रिपर की हेल्थ है। देखते हैं चलो अभी ये कितना डैमेज यहाँ पे दे पाती है। मैं इसके अंदर अपना हीलिंग पोशन भी खिला देता हूँ इसको, ताकि इसकी हेल्थ जो है गाइस वो फुल हो सके यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। चलो इसकी हेल्थ जो है गाइस वो फुल हो रही है, पहले एक बार मैं क्राइव कर लेता हूँ ताकि अगर कोई ग्लिच वगैरह हुआ हो तो वो हट जाए गाइस, ठीक है। कौन है मूर्ख बालक, कौन मारने के लिए आया था मेरे को पता नहीं। ये रही गाइस हमारी 1413 लेवल की 203 मिलियन हेल्थ वाली डिमोनिक फॉलर रिपन इम्प्रेस, ठीक है। मैं इसको अभी कर रहा हूँ पावर अप, यस लेट्स गो बॉयज। पावर अप करने के बाद तो ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, इसका डैमेज कितना जाएगा, 153 मिलियन का बाइट अटैक जा रहा है गाइज, जबरदस्त भाई जबरदस्त, ठीक है। लिप क्लिक वाला अटैक जो बम वाला अटैक था, 6 मिलियन, नॉट दैट बैड। सी वाला अटैक तो दिखा, अरे बाप रे 215 मिलियन का सी वाला अटैक का डैमेज जा रहा है भाई, डैमेज तो दे रही है यार, डैमेज तो काफी खतरनाक वाला दे रही है भाई अपनी रिपर, 215 मिलियन भाई, ये लो भाई 215 मिलियन का डैमेज दे रही है गाइस अपनी रिपर, मजाक हो रहा है क्या, ये ले, अरे भाई साहब सबकी बाँट बजा दूंगा मैं इससे, तो काफी खतरनाक है। ओके रुको, और कौन कौन से अटैक है इसके पास, और था अपना कंट्रोल फायर अटैक, 30 मिलियन का मुंह से फायर छोड़ने वाला अटैक है, और अभी जितने भी अटैक बचे हैं वो सारे अटैक अपने वही है, क्या बोलते हैं, फायर वाले अटैक, काटे फेंकने वाले अटैक का उसका डैमेज तो ऐसे पता नहीं चलेगा, किसी ओरिजिन ब्रिजिन को बुलाता हूँ उसके ऊपर ही टेस्ट करेंगे इसका डैमेज कितना जा रहा है। रुको वाइब्रेंट को बुलाते हैं, रुको वाइब्रेंट बेटा मस्ती नहीं, आजा बर्निंग अटैक में आजा 6 मिलियन का डैमेज जा भाई, नहीं भाई अगर इसको 6 मिलियन का डैमेज पड़ता तो इसकी 500 मिलियन हेल्थ होती है, तो इतने जल्दी कैसे मर जाता भाई, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर गया यार भाई, खतरनाक भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर गया, कुछ तो गड़बड़े दया गाइस, कुछ तो गड़बड़े, रुको मुझे लग रहा है इसका डैमेज जो है ना गाइस वो हद से ज़्यादा जा रहा है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा ओपन एरिया में यहाँ पे अटैक दे दूँ, यहाँ पे वो रैप्टर शैप्टर पे, ओ यहाँ पे ओरिजिन जो है, रुको मैं डैमेज देखता हूँ मेरा कितना जा रहा है, कितना जा रहा भाई, कितना जा रहा है, 6 मिलियन ही जा रहा है, बट 6 मिलियन ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डैमेज पड़ रहा है, उस रीजन से जो है ना गाइस यहाँ पे एकदम फुल स्पीड में मर रहे सारे ओरिजिन, फुल स्पीड में क्या मार रही है रिपर, रुको आपको इसकी पावर दिखाता हूँ मैं, तो गाइस अभी हमारी जो रिपर है ना उसकी पावर दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बताए,
सारे ओरिजिन को एक साथ स्पॉन कर रहा हूँ हमेशा की तरह, ओके। और इनके ऊपर हम लोग हमारे कांटो वाला अटैक डालेंगे, इजी पीजी डन। अबे ये नहीं कांटो वाला अटैक, ये क्या मेरा कांटो वाला अटैक यार, लेकिन मेरा कांटो वाला अटैक तो दूर पड़ा है भाई। अरे अबे उधर उधर जाओ ना भाई, जल्दी यहाँ से हटो, जल्दी यहाँ से हटो। अबे मेरा भाई कांटो वाला अटैक उतने ज़्यादा दूर है फिर भी मर रहे लोग। अरे कांटो वाले अटैक में तो आओ, हाँ आओ इसमें आओ, मर गए सब, अभी सब मर गए, हाँ इसमें आओ भाई, आओ 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 आओ, आराम से आओ, आराम से आओ, अभी बनेगी इनकी पेटी, खत्म भाई। यार ओरिजिन जो है कुछ ओरिजिन तो कांटो वाले अटैक में गए भी नहीं, फिर भी उन लोग की बैंड बच गई, पता है, पता नहीं कैसे इतने दूर थे ये लोग कांटो वाले अटैक से मेरे, ये वाले बर्निंग अटैक से, फिर भी इनकी बैंड बच गई। यार ओरिजिन बच्चे है गाइजा, ये ओरिजिन बिरिजिन को मारना भाई पुराना गेम हो चुका है। मैं बुला रहा हूँ स्काईनेट को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे गाइस, सीधा बुलाएंगे स्काईनेट बॉस को, डर दे क्या गाइस, सीधा स्काईनेट को बुलाएंगे, ओके गाइस। सो अभी ना हम लोग सीधा यहाँ पे बुलाने वाले स्काईनेट को, ठीक है, स्काईनेट अंकल किधर, स्काईनेट को बुलाएंगे, उसको जला के भस्म कर देंगे गाइस, ठीक है, ये आ गया स्काईनेट, ओए स्काईनेट बबुआ, अबे यही अटैक देता हूँ मैं हमेशा, ओए स्काईनेट बबुआ, ये ले मेरी आग, मेरे आग में जल के भस्म हो जा बेटा स्काईनेट, बेटा मस्ती ने हर जगह पे आगे आग लगा दूंगा, इतना कांटे वाला अटैक डालूंगा, इतने कांटे वाला अटैक डालूंगा भाई, जल के भस्म हो जाएगा स्काईनेट भाई। स्काईनेट ब्रो हाउ आर यू, कितने हेल्थ बचे भाई, मर गया भाई, हेल्थ देखने से पहले स्काईनेट की बेटी बन गई यार, मरने के बाद भी बम जरूर डाल रहा है मेरे ऊपर, हाँ मरने के बाद भी बम जरूर डालना है यार। स्काईनेट भी भाई मेरे यार इस रिपर के सामने छोटा बच्चा है, वो मुझे बर्निंग डैमेज दे रहा है देखना, बट मुझे सिर्फ 7,000 का स्काईनेट बॉस का बर्निंग डैमेज पड़ रहा है, सिर्फ 7,000 का, देख रहे हो गाइस अपने रिपर का जो गाइस आर्मर है वो कितना ज़्यादा तगड़ा वाला है, सिर्फ 7,000 का डैमेज पड़ रहा है यार, रिपर है तो ओपी भाई, कुछ भी बोलो भाई। अभी ना भाई एक और भाई खतरनाक काम करूँगा मैं ना एक साथ दो स्काईनेट को बुलाएगा, दो स्काईनेट एक साथ आएंगे और दोनों की बैंड मैं एक साथ बजाएगा, ये हाल है बेटा, इतनी आग लगाऊंगा, इतनी आग लगाऊंगा, इतनी आग लगाऊंगा, किसी ने सोची ना होगी भाई, ठीक है भाई, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, मर गए। अबे थोड़ा तो टिक जाते पर 5-10 सेकेंड, अबे ढंग से अटैक भी मेरा भाई वो नहीं हुआ था, चालू नहीं हुआ था गई, सीधा पेटी, ये लो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया इन लोग का, है क्या बॉस बनेंगे रे ये लोग गाइस, क्या बॉस बनेंगे, मारा यार लेकिन ना मारा तो है भाई, काफी गंदा मारा इन लोग को मैंने भाई, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया गाइस, रिपर सच में काफी ज्यादा ओपी है भाई, इसका जो बर्निंग अटैक है ना खास करके ये वाला, ये जो काट वाला बर्निंग अटैक, ये काफी ज्यादा खतरनाक वाला डैमेज दे रहा है, डैमेज कम दे रहा है लेकिन कंटिन्यूस इतने ज्यादा जल्दी 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 डैमेज दे रहा है ना कि 6-7 बिलियन हेल्थ वाले जो स्काईनेट बॉस है वो भी 5-10 सेकेंड ही दिख पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, उतने में तो सीधा उन लोग की गाइस बैंड बज रही है, इतनी खतरनाक है गाइस हमारी ये रिपर, यहाँ पे ओरिजिन है, अरे बच्चे ओरिजिन है यार, ओरिजिन बच्चे है भाई, वो रैप्टर आ रहा है भाई, रुको आ रहा था, अरे मर गया गाइस, ये देखो उसका सामान भी मिल गया मेरे को इन्वेंट्री में, ये रहा सामान उसका, ये देखो भाई सेकेंड्स में, ओरिजिन तो मरने में भाई 1 सेकेंड भी नहीं ले रहे, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ओरिजिन से यहाँ पे मर रहे हैं भाई, खतरनाक गाइस, सोचो गाइस ये रिपर इतनी ज्यादा खतरनाक है, सो इंडोमेस रेक जो होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक है डोपी वाला होगा, उससे तो तबाही मचा डालेंगे गाइस हम लोग। गाइस अगले एपिसोड में ना मैं यहाँ पे इवॉल्व करने वाला हूँ हमारा इंडोमियस रेक्स, ठीक है, जो इंडोमियस रेक्स बॉस था ना उसको अगले एपिसोड में इवॉल्व करेंगे, सो अगला जो एपिसोड होगा आर्क प्राइमल फेयर प्लस आर्क इटर्नल का वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आज का ये वाला जो एपिसोड है वो हम लोग यही पे इस रिपर को इवॉल्व करने के साथ खत्म कर देते हैं। मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.